हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। यह सूरजकुंड मेला 3 फरवरी 2023 से शुरू होकर 19 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस सूरजकुंड मेले में भारत की विविध संस्कृतियों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। दक्षिणी दिल्ली के एकदम सटे हुए सूरजकुंड क्षेत्र में साल 1987 से शुरू हुए इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का यह 36वां मेला होगा। सूरजकुंड मेले में हरियाणा के अलावा दिल्ली NCR के लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिलता है। हजारों की तादाद में लोग सूरजकुंड मेला देखने फरीदाबाद पहुंचते हैं। इस बार मेले में 40 देशों के शिल्पकार अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा राज्य के हस्तशिल्प अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस बार मेले की थीम नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट पर है। इसमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, कंबोडिया, UAE, श्रीलंका, सऊदी अरब और कतर जैसे देश हैं जो मेले का हिस्सा बने हैं। विभिन्न राज्यों के 1100 से अधिक शिल्पी मेले में भाग ले रहे हैं। मेला देखने आने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले लोगों को 10% की छूट मिलेगी। सामान्य दिनों में मेले की टिकट 120 रुपये रहेगी, जबकि वीकेंड पर 10% की छूट के साथ 108 रुपये में टिकट मिलेगी। स्कूली छात्रों को आई कार्ड दिखाने पर फ्री में एंट्री मिलेगी। टिकटों की बिक्री सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। आइए जानते हैं कि सूरजकुंड मेले में कैसे पहुंच सकते हैं। फरीदाबाद के लोग मेले में अनखीर सूरजकुंड रोड से आ सकते हैं, जबकि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोग मेट्रो या बस से तुगलकाबाद तक पहुंचकर फिर ऑटो या ऑटो रिक्शा से मेला परिसर में पहुंच सकते हैं। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से सूरजकुंड तक पहुंचने का महज 10 मिनट का ही रास्ता है और 10 मिनट का ही वक्त लगता है। सूरजकुंड मेला देखने आने वाले लोग स्वादिष्ट खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले समेत अन्य कई सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। सूरजकुंड मेले में लोग लोक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मेले की सुरक्षा में करीब 3000 से अधिक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।